आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें लोगों का करोड़ों रुपए लगा है और माना जाता है कि वो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देती है, मगर वो प्रॉफिट के पीछे वाकई कोई कारोबार है या बस वही पोंजी स्कीम की एक नई शक्ल। जी हाँ, हम बात करेंगे हीरा गोल्ड के बारे में कि क्या हीरा गोल्ड एक जेन्युइन कारोबार है या फ्रॉड या वही पोंजी स्कीम। पहले तो हम ये समझते हैं कि पोंजी स्कीम क्या होती है। इसी कुछ मिसाल जो हमें मिलती है, अप्रैल 2013 वेस्ट बंगाल में शारदा स्कैम एक्सपोज हुआ। शारदा इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसकी 200 कंपनीज थी, 17 लाख इन्वेस्टर्स थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट देती थी, लेकिन एक बोगस स्कीम थी, 30,000 करोड़ का फ्रॉड। जब पता चला तो लाखों घर उजड़ गए, 82 लोगों ने खुदकुशी की और इनमें से अक्सर उनके एजेंट से जिन्हें इन्वेस्टर्स ने आके पकड़ा, और 7 साल तक ये स्कैम चलता रहा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का साथ था, इनके सारे प्रोडक्ट्स, बिजनेस, गोडाउन सिर्फ दिखाने के लिए थे, उनमें कोई रियल प्रॉफिट नहीं होता था, सिर्फ बाद वालों का पैसा लेकर पहले वालों को प्रॉफिट देते थे। जनवरी 2016 पर्ल स्कैम पकड़ा गया। तकरीबन 20 साल तक ये स्कैम चलता रहा, 20 साल तक 5.5 करोड़ इन्वेस्टर्स, लेकिन कोई हकीकी बिजनेस नहीं था। शारदा और पर्ल पोंजी स्कीम थी, ऐसे कई सारे स्कैम इंडिया में रेगुलरली होते आए हैं। ये सारे स्कैम बाद वालों से पैसे लेकर पहले वालों को प्रॉफिट के नाम में दे देते थे, लेकिन जब बाद में इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए और पैसा आना बंद हो गया तो इन कंपनीज का स्कैम पकड़ा गया। इन सब स्कैम के कुछ सिर्फ दिखाने के बिजनेस थे, लेकिन रियल बिजनेस नहीं था। ये सब बहुत डोनेशन और स्पॉन्सरशिप भी देते थे ताकि लोगों की अच्छी फीलिंग्स इनके लिए रहे। इन सब के साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस दिखते थे, सबको बड़े बड़े इनाम और अवार्ड भी मिले, लेकिन जो प्रॉफिट वो अपने इन्वेस्टर्स को देते थे वो असल में प्रॉफिट नहीं बल्कि बाद वालों का लाया हुआ मुद्दल पैसा था। इसीलिए जब भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि वो बिजनेस हकीकी है या बाद वालों का पैसा पहले वालों को देने वाला स्कैम है। अब हीरा गोल्ड के बारे में कुछ सवाल। हीरा गोल्ड का दावा है कि हीरा गोल्ड वर्ल्ड की टॉप गोल्ड सप्लायर्स में, लेकिन हीरा गोल्ड की कोई भी कंपनी वर्ल्ड के टॉप 10 गोल्ड कंपनीज में नहीं है। 24hoursgold.com पर 3000 दुनिया की गोल्ड सिल्वर कंपनीज की डिटेल्स हैं, लेकिन हीरा गोल्ड की कोई भी कंपनी उसमें नहीं है। हीरा गोल्ड का दावा है कि वो लोग गाना से गोल्ड डस्ट खरीदते हैं, फिर गोल्ड के बार्स बनाते हैं, फिर दुबई में बेचते हैं, लेकिन आज तो सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप investingnews.com और दूसरी वेबसाइट्स पर देखें, हीरा गोल्ड की कोई भी कंपनी गाना की भी मेजर गोल्ड कंपनीज में नहीं है। ना गाना की जूनियर गोल्ड कंपनीज में है, वर्ल्ड की छोड़िए, गाना की ना तो मेजर गोल्ड कंपनीज में ना गाना की जूनियर गोल्ड कंपनीज में। ऐसा क्यों? हीरा गोल्ड के हर स्टेट में हजारों एजेंट्स हैं जो हर महीने सैकड़ों करोड़ जमा करते हैं लोगों के पास से अपने कमीशन के लिए। हीरा ईआरपी वेबसाइट उनके एजेंट्स के लिए है। इसके 20,000 से ज्यादा मंथली विजिटर्स हैं, यानी कि हीरा गोल्ड के 20,000 से ज्यादा ही एजेंट्स हैं, क्योंकि कई एजेंट्स तो फोन पर ही अकाउंट की मालूमात कर लेते हैं। इतने सालों में कितना पैसा उनके पास है? उनके एक मैनेजर के मुताबिक कुछ साल पहले उनके पास 10,000 करोड़ थे, अब अंदाजन 50,000 करोड़ से ज्यादा होंगे। हीरा गोल्ड में अगर हम गिनते हैं कि 10,000 करोड़ इन्वेस्टेड है, इसमें कितना सोना आता है? सोना 25 लाख रुपए किलो है रफली, इसमें 40,000 किलो सोना खरीदा जा सकता है, मतलब तकरीबन 40 टन। हीरा गोल्ड हर महीने डीलिंग करता है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब साल के 480 टन। लेकिन इतना सोना तो गाना में निकलता ही नहीं है। गाना वर्ल्ड के 10 नंबर गोल्ड प्रोड्यूसिंग नेशन है। हर साल पूरे गाना की सारी माइंस मिलकर 90 टन सोना निकालती है। 480 टन की डीलिंग करने के लिए हीरा गोल्ड को पूरा गाना के सारा गोल्ड खरीदना होगा और 3-4 और बड़ी कंट्रीज का पूरा गोल्ड। लेकिन गाना की मेजर और माइनर कंपनीज गाना का सारा गोल्ड खरीद लेते हैं तो हीरा गोल्ड के लिए क्या बचा? हीरा गोल्ड जब इतने सारे टन गोल्ड गाना से दुबई ले जाता है तो उसके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन तो होगा ही। प्लीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन से साबित करें कि आप सच में गाना से दुबई गोल्ड ले जाते हैं। उनके एक एजेंट ने कहा कि हीरा गोल्ड के लोग बैग में डालकर गाना से दुबई गोल्ड लाते हैं। इतने हजार किलो सोना कौन सी बैग में डाल सकते हैं? एयरलाइंस में बैग में डालकर सोना ले जाना मना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होना लाजिम है। जब इतना सारा गोल्ड बेचा जाता है तो बैंक रिकॉर्ड से साबित करें कि दुबई में इतनी डीलिंग्स होती है। दुबई में तो इनकम टैक्स प्रॉब्लम भी नहीं है, वहां तो बता सकते हैं।
हीरा टेक्सटाइल्स में कुछ साल से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, साल में एक बार प्रॉफिट तकरीबन 60% सालाना। टेक्सटाइल चाइना से खरीद कर जब दुबई ले आते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इतने करोड़ की टेक्सटाइल्स जब बेचे जाते हैं तो बैंक अकाउंट भी होगा, क्या दुबई का कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? अब हम बात करते हैं हीरा प्योर ड्रॉप्स के बारे में। कहाँ है इसकी फैक्ट्री? इंडिया के टॉप वाटर सप्लायर्स में हीरा प्योर ड्रॉप्स नहीं है। क्या इस कंपनी की कोई ऑडिट रिपोर्ट है? हीरा प्योर ड्रॉप्स कितना पानी पैकेज करती है, इसकी कोई डिटेल्स मौजूद नहीं। क्या इंडिया की कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां बहुत ज्यादा प्योर ड्रॉप्स बिकता है? प्योर ड्रॉप्स की फैक्ट्री में कितने स्टाफ काम करते हैं? प्योर ड्रॉप्स की वेबसाइट के होम पेज पर सीईओ की इन्फॉर्मेशन तो दी है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए कुछ बॉटल्स कहीं से पैकेज करके लाई जाती है और बांट दी जाती है? और ये कंपनी का टोटल सेल कितना है? हीरा फूडेक्स में इन्वेस्टर्स को 70% सालाना प्रॉफिट दिया जाता है, लेकिन कहां पर ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं? हीरा फूडेक्स में ऑनलाइन ऑर्डर फैसिलिटी नहीं चल रही है। हीरा फूड बाजार वेबसाइट होम पेज पर एड टू कार्ट बटन नहीं चल रहा है। एक भी सेल एंड डिलीवरी रिव्यू इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है जैसी दूसरी शॉपिंग वेबसाइट्स में मिलते हैं। अब तक कार्ड पेमेंट फैसिलिटी भी नहीं है। ऐप को सिर्फ 100 लोगों ने इंस्टॉल किया है। जाहिर सी बात है कि सेल शायद ही थोड़ा होता होगा, लेकिन दावा यह है कि हीरा फूड बाजार इज वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन सुपरमार्केट्स इन इंडिया। टोटल 6 से 8 प्रोडक्ट्स है, ऑर्डर करने पर ऐप क्रैश हो जाता है। टोटल सेल कितना है कोई अंदाजा नहीं। एक फैक्ट्री की फोटो भी दी हुई है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सेम फोटो दूसरी वेबसाइट्स पर भी मौजूद है। ये इंटरनेट से उठाकर डाली गई फोटो है। लोगों का कहना है कि हीरा फूडेक्स के प्रोडक्ट्स दुबई में बिकते हैं। सवाल यह है कि कहां? आज सारी चीजें इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। हीरा फूडेक्स की फैक्ट्रीज इंडिया में कहां है? उनमें कितने स्टाफ है? मार्केटिंग स्टाफ कितने हैं? जब बिजनेस हो रहा है तो टर्नओवर बैंक अकाउंट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से साबित करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रोडक्ट्स और वेयरहाउस सिर्फ दिखाने के लिए हैं? ऐसे फूड आइटम्स के पैकेट्स तो शारदा स्कैम वाले भी बना चुके हैं। इस तरह के सवाल हीरा ग्रुप की सारी कंपनीज के मुतालिक हैं। अब बात करते हैं हीरा हज एंड उमरा टूर। हीरा हज एंड उमरा टूर का नाम उनके ब्रोशर्स और वेबसाइट पर रहता है। उसकी खुद की वेबसाइट भी है, लेकिन ये बात बहुत सो को पता है कि हीरा हज और उमरा सिर्फ एक ही साल हज टूर पर गया था। उस साल बहुत सारे प्रॉब्लम हुए और हीरा ग्रुप को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए अब वेबसाइट पर सर्विसेज सेक्शन खाली है। हीरा ज्वेलर्स की दुकानों में महीने भर में थोड़े ही कस्टमर लेते हैं, खुद शॉप का खर्च कैसे निकल जाता है वो बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अनवरुल्ला है, मेरी बहू का गोल्ड बिजनेस है हीरा ग्रुप का। ये मासा प्लान के पास इधर आदमी से किसी दो आदमी को बुला के पूछो, सुबह से शाम तक 3 कस्टमर नहीं आते। इधर गोल्ड शॉप बोल के लगा के रखा, क्यों? पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए। हीरा गोल्ड अपने स्टाफ को यही बताते हैं कि इनके शोरूम्स का मकसद अवाम को सेल करना नहीं, सिर्फ इन्वेस्टर्स को एक सर्विस देना है। हीरा ग्रेनाइट का दावा है कि उनके खुद के प्रोडक्शन यूनिट है और शोरूम्स है, वो कहाँ है? कितना सेल टर्नओवर होता है? कितने स्टाफ काम करते हैं? हीरा डेवलपर्स की वेबसाइट पर ना कोई कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है बताने के लिए। ऐसे कंस्ट्रक्शन की कंपनी तो शारदा स्कैम वाले भी चला चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तरह हीरा कंस्ट्रक्शन भी एक बोगस कंपनी है? हीरा फिनकैप की वेबसाइट ये बताती है कि किस तरह के लोन मिल सकते हैं वहां इस्लामिक फाइनेंस के सिस्टम से, लेकिन ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही है। हीरा इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की फोटो है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने पर कुछ भी नहीं होता। हीरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की वेबसाइट में दुबई टूर पैकेजेस दिए हुए हैं, लेकिन फॉर्म सबमिट करने पर कुछ भी नहीं होता है। कितने लोग आज तक हीरा गोल्ड से दुबई टूर पर गए हैं और कितने लोग के वीजा उन्होंने प्रोसेस किया है? कितना टर्नओवर हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ? ऐसे कंपनी तो शारदा स्कैम वाले भी चला चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तरह हीरा टूर्स एंड ट्रैवल्स भी एक बोगस कंपनी है? हीरा टूर यूएई नाम की कंपनी की वेबसाइट नहीं चल रही है। हीरा बिल्डिंग मटेरियल्स का ये दावा है कि सारी बिल्डिंग मटेरियल्स में वो डील करते हैं। एड्रेस में वही जमेरा लेक टावर वाली ऑफिस का एड्रेस है, लेकिन वहां कोई बिल्डिंग मटेरियल नहीं मिलता। एक ही जगह पर सोना भी है और सीमेंट भी, या ऐसा कहें ना सोना ना सीमेंट। हीरा डील्स और हीरा बाजार में दूसरी वेबसाइट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स कॉपीड मिलते हैं। ये प्रोडक्ट्स के प्राइसेस आप ऑनलाइन जाकर देखें, इनका प्राइस ₹0 है। जी हाँ, ₹0 मिसाल के तौर पर देखें, ये प्रोडक्ट जो हीरा बाजार पर बिक रहा है वो इस वेबसाइट से कॉपीड है और ये प्रोडक्ट इस वेबसाइट से।
एक भी सेल और डिलीवरी रिव्यू इंटरनेट पर नहीं मिलता है जैसी दूसरी शॉपिंग वेबसाइट्स में मिलते हैं। अगर ऑर्डर करें तो ये कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए है। क्या ये कारोबार है या एक स्कैम है? अब तक कार्ड पेमेंट फैसिलिटी भी नहीं है इस वेबसाइट में। वेबसाइट में ऑर्डर प्लेसमेंट में हीरा डील्स का ऐप भी है जिससे अब तक सिर्फ 100 लोगों ने डाउनलोड किया है। जाहिर सी बात है कि सेल शायद ही थोड़ा होता होगा। तो ये बताएं टोटल सेल कितना होता है और सक्सेसफुल कस्टमर डिलीवरी कितनी हुई? हीरा डायमंड की वेबसाइट बंद है, सक्सेसफुल कस्टमर डिलीवरी कितने नहीं पता। हीरा गोल्ड की अक्सर वेबसाइट सेल और कस्टमर के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है। कई वेबसाइट्स बंद है या अधूरी है। सेल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं शॉपिंग कार्ड नहीं चल रहा है, अक्सर कार्ड पेमेंट फैसिलिटी ही नहीं है, अक्सर डिलीवरी ऑर्डर्स पूरे नहीं होते और ऑर्डर पूरा करने में इंटरेस्ट भी नहीं, ऐसा क्यों? ये सारे सवालों का जवाब इसलिए जरूरी है ताकि हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स को बता सके कि हीरा गोल्ड कोई पोंजी स्कीम नहीं। कई उनकी बिजनेस कमिटमेंट सर्टिफिकेट दी हुई है, इन सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस क्या है। आज तक हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स ने ब्लाइंड फेथ के साथ इन्वेस्ट किया। हीरा गोल्ड से गुजारिश यह है कि इतने साल इन्वेस्टर्स ने कोई प्रूफ देखे बगैर इन्वेस्ट किया, अब प्लीज आप प्रूफ बता दीजिए ताकि पता चल जाए कि आपका बिजनेस बोगस बिजनेस नहीं है।